कल यानी कि 8 तारीख को महाराष्ट्र भर में ड्राई वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वहीं मुंबई में भी ड्राई वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस तरह से दिया जाएगा और कहां कहां दिया जाएगा, इसी पे खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है बीएमसी हेल्थ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मंगला गोमारे। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, कल जिस तरह से ड्राई वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी, मुंबई में कहाँ कहाँ दिए जाएंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ पर 8 सेंटर्स डिसाइड किए गए हैं फॉर फेज़ 1 वैक्सीनेशन, मगर कल हम 3 जगह पे ड्राई रन करेंगे। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, तो डेमो काइंड ऑफ अ थिंग विल हैपन। 3 सेंटर्स डिसाइड किए गए हैं, कुपर हॉस्पिटल है, फिर अपने यहाँ पर BKC जंबो सेंटर है, एंड देन वी हैव राजावाड़ी हॉस्पिटल। मैम, जो ड्राई रन की प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले जैसे हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, डॉक्टर, नर्स, वार्ड वर्क, तो और इसके अलावा कितनी संख्या में जो वैक्सीन आई है, तो उस हिसाब से? वैक्सीन अभी तक अपने पास आई नहीं है। हम लोग ये ड्राई रन इसीलिए बोल रहे हैं कि ये खाली एक ट्रायल रन होगा, तो स्टार्टिंग से लेके जैसे बेनिफिशियरी कोई आएगा तो वो पहले काउंटर पर जाएगा, उसका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका थोड़ा काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही विल गो टू वैक्सीनेशन साइट, वहाँ से फिर वो ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठेगा आधा घंटा। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन एंड विल सी कि हमारा तैयारी पूरा है कि नहीं है और उसमें टाइम कितना लगता है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। बहुत जो आम जनता है उनके दिमाग में यही है कि जब वैक्सीन आएगी तो क्या उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर ड्राई रन होने के बाद तुरंत उन्हें भी मिलना शुरू हो जाएगा? अभी तक हमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि वैक्सीन कब आने वाला है, मगर जैसे ही वैक्सीन आएगा हमारा फेज़ 1 चालू हो जाएगा, दैट इज़ फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। मैम, ये हेल्थ केयर वर्कर्स है, इनमें कौन कौन से है, ये आपसे डिटेल में थोड़ा जानना चाहूँगी। हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब हॉस्पिटल में जो सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर स्टाफ काम करते हैं वो सारे रहेंगे। इसमें गवर्नमेंट, MCGM और प्राइवेट हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को इन्वॉल्व किया गया है। एक सवाल और जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से लोगों में अफवाह फैल रही है, बातें चल रही है कि जो वैक्सीन आने वाली है वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल में डर भी है, इसीलिए कि आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वैक्सीन की खामियां वगैरह नहीं है, वैक्सीन जो भी आएगा वो पूरा सेफ रहेगा, क्योंकि वो पूरा DCGI अप्रूव्ड वैक्सीन आएगा, वही यूज़ करेंगे, तो उसमें 101% सेफ्टी बोल रहे हैं, तो वो हिसाब से वो सेफ रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कल जिस तरह से वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स है उन्हें दिया जाएगा। HM News के लिए सरिता शर्मा।